लेकिन जेल में तो देखिए विपक्षी नेता जा रहे हैं। होता है कभी कभी, जब सत्ता क्या होता है ना, निरंकुश हो जाती है तो जनता उसका जवाब देती है। सांच को आंच नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी तो 10 सालों तक जेल पर रहे, जेल में रहे थे। जनता क्या करने वाली है? तिलक भी जेल में रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल में रहे थे, राम मनोहर लोहिया भी जेल में रहे थे, जयप्रकाश नारायण भी जेल में रहे थे। तो इससे क्या वो देशभक्त नहीं थे? भगत सिंह तो फांसी पे चढ़ गए, जेल में थे। खुदीराम बोस जेल में नहीं थे, सब जेल में थे। तब तो आजादी की लड़ाई थी, अब क्या आजादी? ये भी आजादी की ही लड़ाई है। आपने कैसे सोच लिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, आज खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना है। क्यों बदल देना है भाई? देश की आजादी से पहले हम महिलाओं को वोट देने की आजादी नहीं थी, यहाँ अनपढ़ों को वोट देने की आजादी नहीं थी, पिछड़ों को, दलितों को वोट देने की आजादी नहीं थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको समान किया कि तुम कोठी में रहो, चाहे झुग्गी में रहो, चाहे रोड पर रहो, सबको वोट देना पड़ेगा। गुजरात में तो आपने देखा कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बनाए हुए स्कूल के जवाब देने के लिए एक नकली टेंट के अंदर स्कूल बनवाना पड़ता है, टेंट के अंदर। इसका मतलब उन्होंने 30 सालों में कोई काम नहीं किया है। वो सरकारी स्कूल बंद करने वाले हैं और हम सरकारी स्कूल को बेहतरीन बनाने वाले हैं। सरकारी स्कूल इसलिए जरूरी है, जरूरी नहीं है कि सरकारी स्कूल में ही सब लोग पढ़े, लेकिन सरकारी स्कूल अगर बेहतरीन होगा तो प्राइवेट स्कूल वाले अपने फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। दिल्ली के अंदर पिछले 8-10 सालों में यहाँ के मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने मिलकर, आतिशी जी ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूर कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर प्रेशर है कि वो फीस नहीं बढ़ा सकते, बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चले जाएंगे। अब तो 1200-1500 लड़के डायरेक्ट JEE का कंपटीशन देके पास हो रहे हैं। देश के टॉप अगर 10 स्कूलों की बात होती है तो उसमें से 5 स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल होते हैं। इसका मतलब कि पिछले 10 साल में अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो शिक्षा में बदलाव हो सकता है, स्वास्थ्य में बदलाव हो सकता है। देखिए, सत्येंद्र जैन इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई करप्शन किया है, सत्येंद्र जैन इसलिए जेल में है कि देश के गरीबों को मुफ्त में इलाज कराना चाहते हैं। देश के गरीब, ये तो अदालत फैसला करेगा सर कि किसने घोटाला किया किसने नहीं। आप कितना भी कहते रहिए लेकिन बीजेपी तो इस मुद्दे को भुना रही है। बीजेपी तो 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर जीतने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे एक तरीके से क्रिकेट हो रहा हो कि अंपायर भी उनका, फील्ड अंपायर भी उनका, थर्ड अंपायर भी उनका, विकेट कीपर भी उनका, बॉलर भी उनका, और छोड़िए जो कैमरा मैन है, जो कैमरा में कैच करता है बॉल, वो तो सीधे एकदम बाउंड्री के पार ही बॉल दिखाता है, तो क्या उनसे चर्चा करना है? सारा चीज तो उन्हीं का है कि देश में जितनी सरकारें हैं विपक्ष की, 10 साल से मोदी जी सत्ता में है, और सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है जी? 10 साल से अगर मोदी जी देश में सत्ता में काबिज हैं तो सवाल विपक्ष से नहीं पूछना चाहिए ना, सवाल मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि आपने कितने अस्पताल बनवाए। कोई निगम का चुनाव होता है उद्घाटन कर देते हैं, कोई विधानसभा का चुनाव होता है उद्घाटन कर देते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है उद्घाटन कर देते हैं, और ये उद्घाटन ही किया जा रहा है, एम्स कहीं दिख नहीं रहा है, आज दिख नहीं रहा। इसका मतलब कि उनके जो वादे हैं, अब तो खुलेआम कहते हैं ना कि हमने उनके अमित शाह जी से पूछा गया कि आपने वादा किया था कि ये काम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ये तो जुमले होते हैं चुनावी। आज जिस काले धन के ऊपर मोदी जी आ गए, एक सलवार पहन के बाबा जी रामलीला मैदान से भाग गए थे, जो कह रहे थे कि डॉलर का कीमत नीचे आ जाएगा, यही मोदी जी भाषण दिया करते थे 2013 में कि जैसे जैसे डॉलर की, मतलब डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है नीचे, वैसे प्रधानमंत्री गिर रहा है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि 64 साल के प्रधानमंत्री जब आए थे तो 59 रुपये का डॉलर था, आज 74 साल के है 84 रुपये का हो गया। प्रधानमंत्री गिरे हैं कि रुपया गिरा है कि देश गिरा है, ये तो मोदी जी बता ही नहीं पा रहे हैं। और बाबा जो है आजकल कोर्ट में माफी मांगते फिर रहे कि मैंने गलती कर दिया। आप सोचिए वैसे लोगों से क्या बात करते हैं जो टनल के अंदर जब मजदूर फंस जाते हैं, एक महीना तक निकालने के लिए दुनिया के लोग आते हैं, और भारत के जो मजदूर जाके उनको निकाल देते हैं, उनका घर गिरवा देते हैं दिल्ली में, आप उनसे क्या बात करिएगा? वो टनल बनाने वाली कंपनी नौजुक कंपनी जो है चंदा लेते हैं, और खड़े होकर सदन में सर तमाम पार्टियां लेती हैं, इसमें बीजेपी पर ही सवाल क्यों? चंदा सिर्फ बीजेपी लेती है और उसके हिसाब से। अब देखो दिल्ली का शराब घोटाला, शरद रेड्डी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में घोटाला जो हुआ उसमें फलाने आदमी का नाम दे दिया, उसने नाम ले लिया 8 या 7, उसने जो उसमें बयान दिए उसमें से 8वें बयान में। और वही शरद रेड्डी जब जेल में आता है तो 5 करोड़,
फिर 10 करोड़ करके वो 55 करोड़ रुपया देता है और 5 करोड़ देता है टीडीपी को। उस टीडीपी में जिसके मगुंता रेड्डी जो चुनाव लड़ रहे हैं टीडीपी से, उसी में बाप बेटे वो एनडीए में गठबंधन है, पहले वाई सर, सर सर में होते थे। तो आप सोचिए चंदा किसको दे रहे हैं, नकली महिंद्रा एंड महिंद्रा, कितने कंपनियों के नाम गिनाऊं, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने बीजेपी को कहां जरूरत बीजेपी, तो क्या नहीं हमारे पास पीएम मोदी है, एक ऐसा चेहरा जिस पर हम चुनाव जीत जाते हैं। उनके पास चौथी पास नेता है और इंडिया गठबंधन के पास कोई भी जो है आईआईटीयन है, ऑक्सफोर्ड से रिटायर्ड लोग है, सैनिक एनडीए किया हुआ लोग है, चौथी पास नहीं है। तो देश को निर्णय ये करना है, देश के जनता को ये निर्णय करना है कि हमको हमें अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, अधिकारी बनाना है, या चौथी पास बनाना है, मंदिर में उसको घंटा डलवाना है या मजदूरी करवाना है, तो जनता को सोचना है। तो जनता सोच रही है, जनता उस पर काम करेगी। 24 का चुनाव सब बेहद जरूरी भी माना जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस एक साथ आ गया है, सारे दल कह रहे इस बार हमें भाजपा को हराना है, हरा पाएगा इंडिया अलायंस को नहीं, तानाशाह को हराना है, तानाशाह को हराना है, इस देश के संविधान को बचाना है। हम जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके। अभी संजय भाई गाना गा रहे थे ना, हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, हिंदू मुसलमान आपस में मिल के बातें करते रहें, एक साथ त्यौहार मनाएं, वो हमारे होली पर आए, हम उनके ईद पर जाएं और कम से कम सौहार्द का वातावरण रहे। आप देखिए कि देश में क्या होता है, ये हर आबादी में से एक मैं भी जेल में चला जाऊंगा, नहीं लगता जेल जाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अरे सांच को आज क्या, कोई अगर सर्टिफिकेट दे रहा है कि 2-2-5 होता है तो हम मान लें 2-2-5 होता है, अगर 2 कुर्सी और 2 कुर्सी जोड़ी जाएगी तो 4 ही होगी। चलिए मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि चुनाव जो है संविधान के लिए लड़ा जा रहा है, बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन सर चुनाव तो सत्ता के लिए होता है कि सरकार किसकी बनेगी, देश कौन चलाएगा, आप उसमें कहां संविधान को ला रहे हैं। संविधान में व्यवस्था है कि 543 पार्लियामेंट मेंबर लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है और लोकसभा का सदस्य जिसे चुना जाता है वो लोकसभा का सदस्य बैठ के निर्धारित करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इस बार इंडिया गठबंधन के 350 से ज्यादा सीटें आ रही है, 350 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और 350 सांसद जब जीत के आएंगे दिल्ली में बैठेंगे तो निर्णय लेंगे कि केजरीवाल को पीएम बनाएं, कि राहुल को पीएम बनाएं, कि हम अखिलेश को पीएम बनाएं। लड़ाई हो जाएगी आपस में, तो बीजेपी कह रही है कि दूल्हा कौन है यही फैसला। निश्चिंत रहिए, हमारे में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई अगर होता तो हमको इतनी छटपटाहट नहीं होती, हम कहाँ छटपटा रहे हैं, छटपटा तो रहे हैं। आप सोचिए कि जो पार्टी कह रही है कि हम 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, वो पार्टी देश के जितने करप्ट है, अजीत पवार आपने करप्शन का चार्ज लगाया, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, आप नेता गिनवा रहे हैं, विपक्षी लोग गिनवा रहे हैं, मुझे ये बताएगा कि क्या ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है जैसा नेता। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लड़ रहे हैं हम लोग इसलिए कि सारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में सारे गरीबों को इलाज, महिलाओं को सम्मान, किसानों का फसल आय दुगुना हो जाए और रेलवे के अंदर बुजुर्गों को भी सम्मान मिले, महिलाओं को भी सम्मान मिले, बच्चों को भी सम्मान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। देखिए ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। पीएम मोदी ने चुनावी कमान संभाली हुई है और तमाम राज्य में जाकर वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपकी राय क्या है, हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के दीजिए।